दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कई सारे रहस्य भरे पड़े हैं, क्योंकि ये एक ऐसा युग है जिसका ज्यादा से ज्यादा भाग अभी आना बाकी है। आप लोग जानते ही होंगे कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुका है, जिसके बारे में आप सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे। लेकिन हम भविष्य की बात करें तो इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कलयुग और कली पुरुष की बहुत ही बेहद और खास जानकारी लेकर आए हैं। इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वर्तमान देखकर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये सभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक हर एक युग में दो भाग रहे हैं, धर्म और अधर्म का। जैसा कि आप जानते हैं, सतयुग में देवताओं और असुरों का युद्ध रहा, त्रेता युग में भगवान श्रीराम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया। वहीं अगर हम कलयुग की बात करें तो कोई नहीं जानता होगा कि इस कलयुग में क्या हो रहा है और कलयुग का अंत कब होगा, इसका अंतिम चरण सीमा कहां है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। ये भी बताया जाता है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा वो समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। तब एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा, गरीब से लेकर अमीर तक एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। जो धर्म को नहीं मानता होगा वही हावी होगा। जिस प्रकार एक राजा प्रजा की देखभाल के लिए सदैव उपस्थित रहता है, परंतु आने वाले घोर कलयुग में किसी नगर का कोई राजा नहीं होगा। भविष्य पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो उस विष को सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही धारण कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ। जब भगवान शिव विष पी रहे थे तभी विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसकी वजह से कली पुरुष का जन्म हुआ। लेकिन उस समय कली पुरुष के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन कली पुरुष को समय और अधर्म की वजह से शक्ति मिलती गई। ऐसा बताया जाता है कि कली पुरुष त्रेता युग और द्वापर युग में भी था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब कली पुरुष की शुरुआत हुई थी। यही युग है कली पुरुष का, और इसी समय के साथ साथ कली पुरुष की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। कली पुरुष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, वो इंसानों के अंदर वास करने लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कली पुरुष की शक्ति और भी भयानक होती जाएगी। कली पुरुष की माया का जाल और भी बढ़ता जाएगा, और वो अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कली पुरुष के बस में हो जाएंगे। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी कई ज्यादा हो जाएगी, और कलयुग का कुल समय 4,32,000 साल का है, और अभी कली पुरुष के पास बहुत समय बचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए। जब कली पुरुष पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाएगा तब वो अपने असली रूप यानी कि सलाई रूप में सबके सामने आ जाएगा। तब वो इंसानों को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देगा कि भगवान भी इंसानों को नहीं मार पाएंगे, और इंसान भी कली पुरुष को भगवान मानने लगेगा, और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। तब कलयुग के अंतिम समय पर भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे, उनको शिक्षा देंगे और हनुमान जी उनका मार्गदर्शन करेंगे। यह युद्ध दुनिया का सबसे भयानक होगा, और तो और इस युग में इंसान भी कली पुरुष का साथ देंगे। आप सोच सकते हैं कि इस युद्ध में भगवान विष्णु के अवतार भगवान शिव और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी एक साथ कलयुग में युद्ध करेंगे। कली पुरुष इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा जिसे हराना बहुत ही मुश्किल माना जाएगा, और तब
परशुराम और कल्कि अवतार एक हो जाएंगे और इस तरह से कली पुरुष और कलियुग का अंत हो जाएगा। चार युग फिर से अपने क्रम के अनुसार हमेशा चलता रहेगा, जैसे सबसे पहले सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पहले से पता थी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, धर्म मिस्ट्री पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।